हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे ये ईओटी क्रेडिट्स में मैग्नेट पैनल के डिस्कस चल रहा है ना, इसको पार्ट 30 में अपन डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 30 में डिस्कस करेंगे। क्या है ब्रिज रेक्टिफायर, क्या है, कैसे होता है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे है वो, एनोड क्या तो क्या होता है, सब आज समझाएंगे आपको। ठीक है, इसमें आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो बताया, आप जो ड्राइंग बताया उसमें तो सही बता रहा है, किंतु थोड़ा एक मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक को आप सही करिए। क्या किया मैंने, इधर से आर वाई भी सप्लाई ले लिया, किंतु कॉन्ट्रैक्टर को बीच में नहीं लगाया, नहीं लगा कर डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में देखे आउटपुट जो है अपन ब्रिज रेक्टिफायर में दे दिया, ब्रिज रेक्टिफायर होते मैग्नेट में दे दिया, किंतु ये कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा केबल से है ना, ये केबल का ऑपरेट करने के लिए कॉन्टैक्टर लगाना चाहिए, ये कॉन्टैक्टर क्यों नहीं लगाया करके वो अच्छा डाउट पूछा। तब मेरा दिमाग में आया अच्छा है, कमेंट किया है तो ये तो करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो क्या है, हम लोग को थोड़ा भी आपको लोग को कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लैरिफाई करने के लिए अच्छा रहता। ठीक है, इसमें क्या किया अपन, कॉन्ट्रैक्टर एक लगाना जरूरी होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर को अपन ऑपरेट कहाँ से करते हैं, मैग्नेट पैनल का जो ड्राइवर जहाँ केबिन में बैठते हैं वहाँ से अपन 110 वोल्ट देते, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते एक फेज को, एमसीट में घुमा के लाके ट्रांसफार्मर ऑपरेट करते, ब्रिज रेक्टिफायर ऑपरेट करके अपन मैग्नेट को ऑपरेट करता 220 वोल्ट डीसी। आज क्या करेंगे अपन, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए डिस्कस करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर बोलेगा तो क्या होता है, अपन एसी देंगे आउटपुट डीसी मिलेगा, आउटपुट डीसी मिलेगा, इसको करने के लिए अपन को पहले ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है इसको अपन समझने के लिए पहले एनोड कैथोड क्या होता है, डायोड के लिए अपन समझेंगे एनोड कैथोड। डायोड में देखिए ऐसा रहता है ना, ट्रायंगल सिंबल एक लाइन रहता है, के ए प्लस में होता है, के माइनस में होता है, जैसे एक्चुअली डायोड सिंबल में ऐसे रहता है। इसको अपन क्या है, बहुत आदमी मैं भी तो कंफ्यूज हो रहा था बहुत दिन से, इसके लिए मैं क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कैसे अपन इसको याद रखेंगे करके मैं एक सिंपल फॉर्मूला ढूंढा हूँ। कुछ नहीं है, एनोड बोलेगा तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या तो बोलेगा तो नेगेटिव है पॉजिटिव, इसी में कन्फ्यूज होता है। ये कन्फ्यूज खत्म करने के लिए अपन एक लगाया सिंबल में, सिंपल सिंबल लगाया, देखिए APNL, APNL बोलेगा तो क्या होता है, आंध्र प्रदेश नेशनल लाइन, ऐसे कुछ सोचिए, APNL करके अपन याद रखिएगा, AP बोलेगा तो APNL आंध्र प्रदेश नो लाइन, इसमें क्या है, ये बोलेगा तो ये हो गया एनोड, पी हो गया पॉजिटिव, एन हेल बोलेगा तो नो लाइन, ये जो लाइन जहाँ लाइन रहता है वो कैथोड होता है, जहाँ लाइन नहीं रहता है ऐसा रहता है वो हो जाएगा एनोड। ये सिंपल डायोड को ऐसा ही आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा तो आप कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एनोड कैथोड कहीं भी आपको डायोड आपको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ब्रिज रेक्टिफायर में जाएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, इसमें 6 डायोड लगेगा, 6 डायोड, इसमें से ब्रिज रेक्टिफायर को RY भी सप्लाई यहां से मिलेगा, 415 वोल्टेज मिलेगा, 415 वोल्टेज क्या करेंगे इसको, जहां भी आप एसी वोल्टेज दीजिएगा डायोड के पॉजिटिव नेगेटिव, डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव, डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में दे दिया 3 फेज सप्लाई, देखिएगा 6 डायोड सीरीज किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, दो दो डायोड करके सीरीज में करके, अब क्या क्या बोला, APNL, APNL बोलेगा तो पॉजिटिव, इसमें जो लाइन नहीं है ये एनोड है, एनोड को सब अपन शॉर्ट करके जाएंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, ये लाइन वाला, लाइन वाला बोलेगा तो कैथोड होता है, मैं बताया ना कैथोड का, ये कैथोड क्या है नेगेटिव। जब ये ब्रिज रेक्टिफायर में अपन एसी सप्लाई देंगे, एसी देंगे, देखिए एसी देंगे ये आपको डीसी निकाल देगा, ठीक है,
यही है, सिंपल फॉर्म है, कोई भी आदमी समझ जाएगा। हाँ बहुत आदमी का ये डाउट आता है, अरे अपन तो इधर से एसी सप्लाई दे दिया, डीसी निकल गया, रेक्टिफायर हो गया, अपन डीसी सप्लाई यहां से दे देंगे, एसी सप्लाई निकलेगा क्या? जब ऐसा होगा तो बहुत आदमी इन्वर्टर बनाना बंद कर देगा, तो होगा ना ऐसा। ऐसा करने के लिए आप पॉजिटिव एसी सप्लाई देगा तो कल डीसी निकलेगा, ये नहीं डीसी सप्लाई दे दिया तो एसी निकल जाएगा। वो ये रेक्टिफायर का काम है कल एसी को डीसी करना, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी करना। डीसी को एसी बनाने के लिए बीच में बहुत सारा सर्किट का जरूरत पड़ेगा, बैटरी का सारा जरूरत पड़ेगा, वो अपन बाद में इन्वर्टर के बारे में आगे आने वाला टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये आज के लिए सिंपल डायग्राम है, ये सिंपल कोई भी आदमी समझ सकता है। इनपुट दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर का ऑपरेट करिए, ट्रांसफॉर्मर में दे दीजिए, ब्रिज रेक्टिफायर, मैग्नेट, मैग्नेट को हमेशा चेक करने के लिए आप रेजिस्टेंस मोड में लगा के अपन चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस 0.234 एम्प्स ओम्स आ गया, मैग्नेट सही है। इसको बॉडी के साथ भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी से कैसे चेक करना मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है, इतना ही आज का टॉपिक है। आप लोग कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में नहीं बताएगा तो अपन क्या सोचेंगे, सबको समझ में आया? अरे सब आदमी को कुछ भी सब समझ में नहीं आता है, थोड़ा बड़ा डाउट रहता है, वो सब अपन मैं डिस्कस क्लैरिफाई करेंगे। आप लोग कमेंट करिए क्या क्या मैं जो गलत बोल रहा हूँ ना, वो भी आप लोग बताएगा तो मैं आगे उसको मॉडिफाई करके अपन चैनल को अच्छा इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए अपन सोच रहे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग फायदा रहेगा, हम भी फायदे रहेंगे, आप लोग सब लोग मिलके एक अच्छा, कहीं भी कोई भी कंपनी में अपन ज्वाइन किया बोलेगा तो वो कोई भी प्रॉब्लम है अपना सॉल्व करने का हिम्मत रखना। उसके लिए मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मेरा फॉलो करते रहिए, फॉलो करेंगे तो आप लोग को आसान से समझ में आ जाएगा। अपन कोई भी प्लान में जाएंगे कहीं भी फेल नहीं होना, मेरा जो क्लास देखेगा वो सुनेगा, जो उसको कोई डिप्लोमा कोर्स का जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, अगर अनपढ़ आदमी भी होगा ना आराम से सीख जाएंगे। वो ये सबसे मैं डेली प्रैक्टिस करके आप लोग को बताता हूँ। ओके, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने से अपन आगे बढ़ेंगे ना जी, और क्या करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।